आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे भयावह कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत, जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसा जघन्य कृत्य कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या। साल की सूचना। सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 6 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा के फतोर्डा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ी रहेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाई रोड जाने पर ही जोर दिया तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोटा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म के दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर KDDT ही कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई, वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, टूटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पचतधे में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शैक्षिक योग्यताओं पर एक नजर डालते हैं। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट, नैतिकता विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप ऑफ उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह AI एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही हैं। और उसके पास प्राकृतिक भाषा, नेचुरल लैंग्वेज प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। ऐसी प्रतिभाशाली LDDHK की शादी वर्ष 2010 में वेंकटरमन से हुई, जो एक AI डेवलपर है।